أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي सलावत भेजिए ख़ानदान फातिमा। खुदाए सुभान की बारगाह में सिपास गुजार के इस मकाम पर आप बामारिफत मोमिनीन के नूरानी चेहरों की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ। मौसम की बरहमी के बावजूद, बरसती हुई बारिश के बावजूद इस मकाम पर आपका यूँ जम कर बैठ जाना खुद इस हकीकत का ऐलान है कि हकीकत अबदी है। मकाम शब्बीरी हुसैनियत लाजवाल हकीकत है, हुसैनियत सरमदी हकीकत है, अबदी हकीकत है। हुसैनियत क्या है और हुसैन इब्ने अली कौन है, और ये जो महीना शुरू होने जा रहा है, ये 10 रातें जो शुरू होने जा रही हैं, इन 10 रातों का दीन में क्या मकाम है, इंसानियत में क्या मकाम है, क़ुरान में इन 10 रातों की क्या अहमियत बयान की गई है, इन 10 रातों की अहमियत का राज क्या है, सुबह आशूर का फ़लसफ़ा क्या है, शब आशूर का फ़लसफ़ा और हिकमत क्या है। वक्त बहुत महदूद है, हंगामे गुरूब है, चंद लम्हे और कोशिश करूँगा कि इन्हीं मुख्तसर लम्हात में अपनी बात अर्ज़ करने में कामयाब हो सकूँ। कुरान मजीद की 70 सूरतें जिनके शुरू में कोई कसम अल्लाह ने नहीं इस्तेमाल की, बाकी 44 सूरतों में अल्लाह ने 118 कसमें इस्तेमाल की हैं। किसी सूरा के शुरू में अल्लाह ने 1 कसम उठाई, जैसे सूरह असर, कहीं 2, जैसे सूरह दुहा कहीं 3 कसमें उठाई, जैसे सूरह अल-आदियात किसी सूरा के शुरू में अल्लाह ने 4 कसमें उठाई, जैसे सूरह मुबारक 3 किसी सूरा के शुरू में अल्लाह ने 5 कसमें उठाई, जैसे सूरह मुबारक फजर। सूरह फजर के बाद कुरान का सिर्फ 1 सूरा है जिसमें अल्लाह ने इससे ज़्यादा कसमें इस्तेमाल की, और वो सूरह मुबारक शम्स है जो 15 आयतों पर मुश्तमिल है, और 15 में से पहली 7 आयतों में अल्लाह ने मुसलसल बग़ैर वक्फे के 11 कसमें उठाई। सूरह शम्स के बाद वो सूरा जिसमें अल्लाह ने सबसे ज़्यादा कसमें उठाई ये सूरह फजर है। इस सूरा को सूरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इमाम शेशम, इमाम सादिक अलैहि आलाफ तहय्यत वस्सना ने अपने सहाबी अबू बसीर से इरशाद फरमाया, अबू बसीर अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में सूरह फजर की तिलावत किया करो, अबू बसीर ने सवाल किया, फर्जंद रसूल कोई ख़ास वजह क्यों अमर फरमा रहे? फरमा इसलिए कि ये सूरा मेरे जद्द बुजुर्गवार हुसैन इब्न अली से मुताल्लिक है। अबू बसीर ने अर्ज़ किया, फर्जंद रसूल इस सूरा में तो कौम आद, कौम समूद, फ़िरऔन, फ़िरऔनियों के जुल्म, उनके अंजाम को बयान किया जा रहा है। आप क्यों कर फरमा रहे हैं कि ये सूरा आपके दादा हुसैन इब्न अली से मुताल्लिक है? फरमाया अबू बसीर, इस सूरा के आखिर में जो अल्लाह फरमा रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इस नफ्से मुतमइन्ना से मुराद मेरे दादा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। वक्त नहीं कि मैं इन आयात की तफसीर और तफसील अर्ज़ करूँ, फ़कत इन कस्मों से मुतल्लिक मुख्तसर बात करूँ ताकि इस्तक़बाल माह मुहर्रम की मजलिस में कम से कम एक से दो बातें बयान हो जाएँ। वल फज्र, पहली कसम जो परवरदिगार ने उठाई ये फज्र की कसम है। ये कौन सी फज्र है कि परवरदिगार जिसकी कसम उठा रहा है? और फज्र को फज्र क्यों कहते हैं? इमाम अहले सुन्नत जनाब राग़िब इस्फ़हानी ने मुफ़रदात राग़िब में तहरीर किया, फज्र का मतलब है वसी शिगाफ़। इस हिस्से को, वक्त के इस हिस्से को जो फज्र कहा जाता है, इसी वजह से फज्र कहा जाता है क्योंकि वक्त का ये हिस्सा रात की तारीकियों के, अंधेरों के पर्दों को चाक करता है और दुनिया में रोशनी का आगाज़ होता है। और फज्र में जो तशबीह दी गई है सरवर व सालार शहीदान, इमाम हुर्रियत, इमाम इज़्ज़त, इमाम इनक़लाब, राकिब दोष रसूल, सैयद शबाब अहलिल जन्ना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो फज्र से तशबीह दी, इसकी वजह यह है कि नूर हुसैन इब्न अली ने आकर बनु उमैया के जुल्मों की, तमाम तर जहालतों की तारीकियों के पर्दों को यूं चाक किया कि क़यामत तक के लिए सुबह की ऐसी रोशनी फैली कि अब कभी भी हक़ और बातिल को आपस में कोई मखलूत न कर सकेगा। हुसैन कौन है? आपके नूर के ज़ुहूर का फ़लसफ़ा क्या है? किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि जब खैर व शर में दिक्कत तफरीक हो गई, बशर को पता नहीं चल रहा था कि खैर क्या है, शर क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, जब आपस में काती पाती और मखलूत हो गए, खैर शर, हक बातिल, नेकी बदी, अच्छाई बुराई, जब खैर शर में दिक्कत तफरीक हो गई, बेसाख्ता हुसैन की तख्लीक हो गई। अल्लाह ने नूर हुसैन इब्न अली को इसी मकसद के लिए कायनात में ज़ाहिर फरमाया, क़यामत तक के लिए हक और बातिल के दरमियान, खैर और शर के दरमियान इम्तियाजी निशान बने। और ये फज्र रोज़ आशूर की फज्र है। क्या हुआ इस फज्र में, क्या हुआ इस दिन में, क्यों परवरदिगार इस दिन की फज्र की कसम उठा रहे? और ये दिन जो सरवर व सालार शहीदन हुसैन इब्न अली के साथ मंसूब है, वल फज्र व लयालिन आशर, मुझे फज्र की कसम यानी मुझे सुबह आशूर की कसम, व लयालिन आशर, मुझे 10 रातों की कसम। अगर फज्र का मफहूम रोशन हुआ तो फिर खुद वाज़े हो गया कि ये कौन सी 10 रातें जिनकी परवरदिगार पूरे साल में से, वो 10 रातें कौन सी हैं जिनसे मुतल्लिक अल्लाह कुरान में कसम फरमा रहा है। ये 10 रातें माह मुहर्रम की पहली 10 रातें जिन्हें अल्लाह ने हुसैन इब्न अली के साथ मंसूब कर दिया। ये एक देहात है जहाँ पर आप मौसम की बरहमी के बावजूद, बरसती हुई बारिश के बावजूद जहाँ पर बैठे हैं, बाज़ अफराद गीली जगह पर बैठे हैं, अगर आप यहाँ से उठें, अब माह मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है, यहाँ से उठ के चले जाएं कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी जहाँ 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात है, अगर यहाँ पहुँचेंगे तो इन अय्याम में ज़िक्र हुसैन वहाँ पर भी बरपा नज़र आएगा। नाम हुसैन पूरी कायनात में गूंज रहा है। ये 10 रातें, ये 10 दिन ख़ास हैं हुसैन इब्न अली के साथ, इसलिए परवरदिगार सुबह आशूर की कसम उठाने के बाद फिर इन 10 रातों की कसम उठा रहे। वल फज्र व लयालिन आशर व शफ़्ए वल वत्र, शफ़ का मतलब है जोफ्त, वत्र का मतलब है ताक। मुझे कसम है जब ये इकट्ठे थे, मुझे कसम है जब हुसैन तन्हा रह गया। इसकी दूसरी तफसीर है, मुझे कसम है जब हुसैन और शरीकतुल हुसैन इकट्ठे थे, और मुझे कसम है कि जब शरीकतुल हुसैन तन्हा रह गईं। वश्शफ़्ए वल वत्र वल्लैल इज़ा यसर, और मुझे रात की कसम जब वो ढलने लगे। ये कौन सी रात है कि परवरदिगार 10 रातों की कसम उठाने के बाद फिर इस रात की कसम उठा रहे? इस रात में क्या हुआ, तफसीलात हैं, सबसे गुरेज करते हुए हुसैन कौन है, आपका शरफ क्या है। नाम हुसैन जुबान से जारी होता है, दूसरी तरफ अश्कों की लड़ी लग जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। क्या रब्त है अश्क का और हुसैन का, आंसू का हुसैन इब्ने अली के साथ, और हुसैन के साथ मंसूब होने के बाद इस आंसू की क्या कीमत बनती है? खुद खत्मी मरतबत फरमाते हैं, मम बका औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो रोता है, जो रुलाता है, जो दूसरों के रोने का एहतमाम करता है, मजलिस अज़ा बर्पा करता है, परवरदिगार जन्नत को इसके ऊपर वाजिब करार दे देता है। तो मकाम फिक्र है कि ये बेहैसियत आंसू अगर आंख से बह जाए, इसकी कोई अर्जिश नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन यही बेहकीकत आंसू, बेकीमत आंसू अगर हुसैन इब्ने अली के साथ मंसूब हो जाए तो इसकी कीमत अल्लाह की बारगाह में कम अज कम जन्नत बन जाती है। ये हुसैन कौन है? किसी नबी की कब्र की मट्टी उठाकर खाना हराम है, लेकिन ये हुसैन है कि जिनकी कब्र की खाक को अल्लाह ने खाक शिफा करार दे दिया। ये हुसैन कौन है कि अगर कोई जायर अपने मुल्क से, दुनिया की किसी गोशे से उठता है, आपकी ज़ियारत के इरादे से जैसे ही करबला पहुँचता है, आपकी कब्र को लम्स करता है, आपकी जरी को छूता है, तो खुद खुदा उससे इरशाद फरमाता है, या अब्दी इस्तानिफ अमलक, ए मेरे बंदे जा नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर। क़द सिरतल यौम का यौमिन वलदत का उम्मुक, आज तुम्हारी कैफियत वो है गोया तू अभी अपनी माँ की शिकम से दुनिया में आया। गुनाहों से पाक हो चुका है वो हुसैन जिनकी कब्र और जरी को छूने से इंसान इतना पाक हो जाता है, उस हुसैन की अपनी तहारत का मैयार क्या होगा? लेकिन ये शरफ, ये मकाम, ये फजीलत क्यों अल्लाह ने आपको तमाम अहले जन्नत का सरदार करार दिया, जहाँ पर अम्बिया हैं, औलिया हैं, सालिहीन हैं, अतकिया, अव्वलीन और आखरीन सब जमाए, और उन सब का सरवर व सालार अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली को करार दिया है। शरफ क्या है, राज क्या है, ये हुसैन कौन है? अगर हुसैन इब्ने अली करबला ना जाते तो क्या होता? चंद साल पहले तक पाकिस्तान में एक दिन मनाया जाता था यौम हुसैन के नाम से, मुहर्रम से पहले माह जिलहज में। फिर एक डिक्टेटर आया, आमिर आया, और उसने फिर ऐसा कदगन लगाया कि उसके बाद फिर उस तरह से ये यौम हुसैन पाकिस्तान में नहीं मनाया गया। नाम ज़िया था लेकिन तारीखियों का मजमुआ था। इसने आकर इस मुल्क में यौम हुसैन जिस तरह से पहले मनाया जाता था कि पाको हिंद के उलमा, दानिश्वर, स्कॉलर्स, शुअरा, अदीब जमा होते थे, जिनमें ईसाई आते थे, हिंदू आते थे, सिख आते थे, अहले तसन्नुन, अहले तशय्यो, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस उलमा इकट्ठे होकर जमा होकर मुहर्रम से पहले हुसैन इब्ने अली को खिराज अकीदत पेश करते थे। यौम हुसैन मनाया जाता था। और चंद साल पहले जब पाकिस्तान में यौम हुसैन मनाया गया, इसकी क़यादत और सदारत सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नकन फरमा रहे थे, और 3 दिन बराबर ये सिलसिला जारी रहा। खिताबात का, शुअरा कलाम पढ़ते रहे, आकर अदीब, मुफक्किरीन, दानिश्वर, उलमा, स्कॉलर्स आकर अपना अपना मतमे नज़र हुसैन इब्ने अली से मुतल्लिक, आशूरा से मुतल्लिक, करबला से मुतल्लिक बयान करते रहे। और तीसरे दिन सबसे आखिर में सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नक्कन की नौबत आई। लेकिन ऐसी सूरत हाल थी कि हंगामे गुरूब था, आज़ाने मगरिब से फ़कत 5 मिनट रह गए थे, और अब इस कम वक्त में किस तरह से बात की जा सकती थी? सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन सब परेशान थे कि क्या करेंगे इस वक्त में, क्या आज़ान के वक्त गुफ्तगू करेंगे या फिर बात किए बगैर छोड़ देंगे। लेकिन जब वो आए, लोगों के चेहरों पर परेशानी के आसार को मुशाहिदा किया, तो फरमाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं 5 मिनट से पहले अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। मौजू ये था उस मरतबा यौम हुसैन का कि अगर हुसैन करबला ना जाते तो क्या होता। तो एक जुमले में समंदर को कूजे में समो दिया। फरमाया कि सुनो, अगर हुसैन इब्ने अली करबला ना जाते तो आज नमाज जुमा बुध के दिन पड़ी जा रही होती। वक्त कम था, इसीलिए उन्होंने इशारे पर इक्तिफा किया और इशारा देकर गुजर गए। लेकिन खुद जितना मैंने चंद सालों से करबला को पढ़ रहा हूँ, मुताला कर रहा हूँ, तारीख़ करबला और तारीख़ आशूरा को, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अगर सरवर व सालार शहीदन हुसैन इब्ने अली करबला ना जाते तो आज हर मारूफ मुनकर बन चुका होता, हर मुनकर मारूफ बन चुका होता, हर हलाल हराम बन चुका होता, हर हराम को हलाल बना दिया गया होता। यहाँ तक कि इस तरह से चीज़ों की हकीकतें बदल चुकी होती हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में शराब जमजम की अहमियत हासिल कर चुका होता और शराब को जमजम की क़िदासत मिल जाती। और बाकी तमाम तर बातों के अलावा, चूँकि वक्त कम में मैं भी इशारे पर इक्तिफा करूँ, अगर हुसैन इब्ने अली करबला ना जाते तो क्या होता। आज हमारी मस्जिदों में, इबादतगाहों में, घरों में, शादी हालों में लोग इकट्ठे होते निकाह के मौका पर, और एक मौलवी साहब आते गले में मफलर डालकर, रुमाल पहनकर, सर पे टोपी रखकर, दस्तार रखकर, तस्बीह घुमाते हुए आते और बैठकर एक सगी माँ का उसके बेटे के साथ, एक सगी बहन का उसके सगे भाई के साथ निकाह पढ़ के चले जाते। लोग मुबारकबादें देकर अपने घरों को चले जाते, मिठाइयाँ तकसीम हो जाती और किसी एक फर्द को एहसास तक ना होता कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। अगर हुसैन इब्ने अली करबला ना जाते, ये हुसैन इब्ने अली अपनी ज़ात के लिए करबला नहीं गए थे। इमाम हुसैन अपने बच्चों के लिए, अपने खुद को भी बचा सकते थे, बच्चों को भी बचा सकते थे। सब मशवरे दे रहे थे इमाम हुसैन को कि इराक ना जाएं, करबला ना जाएं। सबको नजर आ रहा है कि जाकर शहीद हो जाएंगे, तो खुद आका नहीं देख रहे थे। यहां तक कि शहीद मुर्तजा मुताहरी फरमाते कि जो लोग हुसैन को मशवरे दे रहे थे कि करबला ना जाए, इराक ना जाए, उनकी हैसियत हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में ये थी कि वो अफराद जिस हकीकत को आईने में देखने की सलाहियत नहीं रखते थे, हुसैन उसे ईंट और पत्थर में देखने की सलाहियत रखते थे। फिर क्यों करबला गए जबकि जानते थे कि शहीद हो जाऊंगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सब मशवरे दे रहे हैं कि आप करबला ना जाइए, इराक ना जाइए। कोई कहता है बनी सकीफ के पहाड़ी सिलसिलों में पनाह गुज़ीन हो जाए। जगह बदलते रहें, आप भी बच जाएंगे, आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, आपकी खवातीन भी महफूज रहेंगी। तो आप जगह बदलते रहें। किसी ने कहा यमन चले जाएं, वहाँ आपके पैरोकार हैं। किसी ने कहा हिंदुस्तान तशरीफ ले जाइए। लेकिन किसी एक की बात को हुसैन इब्ने अली ने दरखोर्द इतना नहीं जाना। क्यों? इमाम हुसैन यमन जाकर, हिंदुस्तान जाकर, बनु सकीफ के पहाड़ी सिलसिलों में जाकर खुद को भी बचा सकते थे, अपने बच्चों को भी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो खुद इमाम हुसैन को मशवरा दे रहा था, क्या इसने यजीद इब्ने मुआविया की बैयत की? ना, बैयत नहीं की। ये भी रातों रात चला गया। 28 रजब को इसने भी मदीना छोड़ा, रातों रात पहुंचा है, मक्का की तरफ चल पड़ा। इसने भी यजीद की बैयत नहीं की। लेकिन यजीद की बैयत ना करके क्या कत्ल हो गया? ना, ये जिंदा रहा, इसके तीनों भाई जिंदा रहे। और फिर इसने 73 हिजरी तक 9.5 साल मुसलसल हुकूमत की है। यजीद की हुकूमत तो सिमट कर शाम तक महदूद रह गई। 3 साल 8 महीने 14 दिन यजीद ने हुकूमत की, फिर मर गया। फिर इसका बेटा मुआविया सानी बरसर इख्तिदार आया, 40 दिन उसने हुकूमत की। फिर उसने खुद अपने बाप पर लानत की, अपने दादा पर लानत की कि इन्होंने हक़ अहले बैत को ग़स्ब किया। इसे मरवान बिन हकम ने कत्ल करवाया, खुद पर बरसर इख्तिदार आया। 9 महीने मरवान ने हुकूमत की, लेकिन अपनी बीवी के हाथ से कत्ल हो गया। फिर इसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान बरसर इख्तिदार आया। 86 हिजरी तक हुकूमत करता रहा, 22.5 साल हुकूमत की और 73 हिजरी तक ये हमले करता रहा। यजीद हमले करता रहा, मरवान हमले करता रहा, अब्दुल मलिक बिन मरवान बराबर हमले करता रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत को खत्म न कर सके। यजीद की हुकूमत सिमट कर शाम, लबनान, कंसरीन और चंद इलाकों तक महदूद हो गई। पूरा मदीना, मक्का, ताइफ, हिजाज, मिस्र, कूफा, बसरा, ईरान, इराक, ये सारी सरजमीन पर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने 9.5 साल हुकूमत की है। तो इसने यजीद की बैत ना करके सिर्फ ये कि कत्ल नहीं हुआ बल्कि हुकूमत कायम। कुछ लम्हों के बाद आजान की आवाज़ बुलंद होगी, मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जाती हैं, तिलावत की आवाज़ें सुनते हैं, कुरान पढ़ा जाता है। ये जो रिश्ते हैं, ये जो इंसानी ज़मीर है, इंसानी हया है, इंसानी और अखलाकी कदरें हैं, ये जो गैरत बशर है, ये जो नामूस इंसानी है, जितनी भी कदरें बना में दीन, अगर मैं मुख्तसर करूँ 2 जुमलों में, ये अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, शिया, जिसके पास बना में दीन, टोपी है, तस्बीह है, जाए नमाज है, आजान है, नमाज है, जिसके पास बनामे दीन, जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्ने अली की वजह से है। हर बाज़मीर इंसान क़यामत तक हुसैन इब्ने अली के सामने ममनून है, मदयून है, मकरूज़ है। हुसैन इब्ने अली का, हुसैन इब्ने अली को मानने के लिए, आपका जिक्र करने के लिए, आपसे मोहब्बत करने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। डॉक्टर गुप्ता राम, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, इसके बावजूद कि वो हिंदू थे, डॉक्टर थे, इसके बावजूद 2 दिनों में उन्होंने, कभी डॉक्टर थी, बेटे भी डॉक्टर थे, लेकिन साल के 2 दिन उन्होंने हुसैन इब्ने अली के साथ खास कर रखे थे। 3 शाबान का दिन, 10 मुहर्रम का दिन, क्लिनिक बंद करके सबील लगाते थे, खानों का एहतमाम करते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। हिंदू सवाल करते थे, गुप्ता राम आप तो मुसलमान नहीं है, आप तो शिया नहीं है, फिर हुसैन का जिक्र क्यों करते हैं, हुसैन के नाम पर क्यों किस तरह से अपने क्लिनिक को बंद करते हैं, इस तरह से लोगों की खिदमत करते हैं, खाने बनाते हैं, उनको मशरूबात पेश करते हैं। कहा इसलिए कि मेरे ज़मीर पर एक ऐसा बोझ आ जाता है कि इस अमल के बगैर मैं उस बोझ को उतार नहीं सकता। का कैसा बोझ? कि मैं जब भी अपने घर में दाखिल होता हूं तो मेरे घर में मेरी माँ भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, बीवी मौजूद है। देखने में तो चारों खवातीन हैं बहसियत खातून, किसी में कोई फर्क नहीं पाया जाता है। एक माँ भी खातून है, बीवी भी खातून है, बेटी भी, बहन भी, लेकिन मैं चारों को अलग अलग जावियों से देखता हूँ। माँ को माँ की शक्ल में देखता हूँ, बेटी को बेटी की शक्ल में देखता हूँ, बहन को बहन की सूरत में देखता हूँ। तो ये फर्क जिस हस्ती ने मुझे अता किया है और जिसने मुझे इंसानी रिश्तों की तमीज सिखाई है, कैसे मुमकिन है कि मैं अपने मोहसिन को फरामोश कर दूं? ठीक है मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए हर फर्द मदयून है, मकरूज है हुसैन इब्ने अली का। ये 5 नमाजें जो आप पढ़ते हैं सबसे पढ़े, जाके देखें बड़े बड़े उलमा से, सीरत की हदीस की किताबें देखें, बड़ी जितनी भी तारीखें। ये वो बात करने लगा हूं जिस पर किसी एक मुसलमान दानिश्वर को, मुफक्किर को, किसी सीरत निगार को, मुहद्दिस और तारीख नवीस को कोई इख्तलाफ नहीं है। इजमा है सबके सब मुहद्दिसीन का, सीरत निगारों का, कि मक्का में इन 5 नमाजों की रकतों की कुल तादाद 10 थी, 2 फजर की, 2 जोहर की, 2 आसर की, 2 मगरिब की, 2 इशा की। और मदीना पहुंचने के दूसरे साल में जाकर 7 रकतों का इजाफा हुआ, जोहर के साथ 2 और इजाफा हो गई, असर के साथ 2 और, मगरिब के साथ 1 रकत, इशा के साथ 2 रकतें मजीद इजाफा हुई, ये 17 हो गई। अल्लाह के यहाँ एहसासात नहीं है, अल्लाह के यहाँ जज्बात नहीं है, कैफियतें नहीं है। अल्लाह कैफियतों का खालिक है, अल्लाह सुबहान है, एहसासात जज्बात अवातिफ से मावरा है, बालतर है, खालिक अक्ल खुदाए हकीम। अगर इजाफा करना था तो शुरू में 17 रकतें कायम कर देता, अव्वल जाल में जब शरीयत में नमाज करार दे रहा था तो पहले से 17 रकतें रखता, लेकिन नाम मक्का में 10 रकतें रखी, मदीना पहुंचने के दूसरे साल। ये तमाम मुहद्दिसीन, सीरत निगारों का, मुहर्रिखीन का इत्तेफाक है कि दूसरे साल, हिजरत के दूसरे साल 7 रकतों का इजाफा हुआ। तो अगर इजाफा करना था परवरदिगार ने तो फिर बराबर बराबर इजाफा करता, अगर जोहर और असर और इशा के साथ कि रजाए खुदा यहां है, अगर उसका सर अली के दरवाजे पर झुक गया तो रजी अल्लाह बन जाएगा, और सर न झुका और वो बदबख्त अली के मुकाबले में आ गया, रजी अल्लाह तो नहीं बनेगा, लानतुल्लाह अलैह यकीनन बन जाएगा। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। जो शबे हिजरत में हुआ वही शबे आशूर में हुआ। फर्क यह है कि शबे हिजरत एक इंसान ने अपनी जान खुदा को बेची है, शबे आशूर 72 ने अपनी जान खुदा को बेची है। जब एक मरतबा हुसैन इब्न अली ने फरमाया कि जाओ मैं भी राजी, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा भी राजी हैं, मेरी माँ फातिमा जहरा भी राजी हैं, क्या कोई एक फर्द भी उठा? मुमकिन है मुअर्रिख ये कहे इसलिए नहीं उठ रहे थे कि हुसैन इब्न अली सरदार जन्नत हैं, वारिस से जन्नत है, अगर उठे तो जन्नत हाथ से जाती है, इसलिए नहीं उठ रहे थे। तो आप हुसैन इब्न अली ने दूसरी बशारत फरमाई, फरमाया जाओ चले जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत की जमानत देता हूं। कोई दो रकती मुल्ला जन्नत की जमानत नहीं दे रहा है, वारिस जन्नत सरदार जन्नत जन्नत की जमानत दे रहे, फिर भी नहीं उठ रहे। अब क्यों नहीं उठ रहे? तो मुमकिन है मुअर्रिख की तज्जिया पेश करे, इसलिए नहीं उठ रहे थे कि आंखों की शर्म मानी थी कि किस तरह रोशनी में सब दुश्मनों के बीच में हुसैन इब्न अली को तन्हा छोड़ के चले जाएं, आंखों की शर्म मानी थी, हया आ रही थी, इसलिए हुसैन इब्न अली ने तीसरा काम फरमाया, फरमाया कि बेटा अली अकबर चराग खेमा को गुल कर दीजिए। अली अकबर उठे, चराग खेमा को बुझाया, एक चराग बुझा 72 चराग जल उठे। अब जो दोबारा चराग रोशन हुआ तो गिरिए की आवाजें बुलंद हो चुकी थी, और सबसे पहले रसूल इस्लाम के बूढ़े सहाबी हबीब इब्न मदाहिर उठे और उठकर कहने लगे, फरजंदे रसूल आप फरमा रहे हैं हम चले जाएं, अगर आज चले जाएं कयामत के दिन आपके जद्द बुजुर्गवार पैगंबर इस्लाम को क्या जवाब देंगे, आपकी माँ फातिमा जहरा को क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत ने फरमाया बैठ जाइए ए हबीब। इसके बाद फिर ज़ुहैर इब्न कैन उठकर खड़े हुए, अर्ज किया कि ये दुनिया फानी है और हमने भी जल्द मर जाना है, लेकिन अगर ये तय कर लिया जाए कि ये जहान अबदी और सरमदी है, और ये भी फर्ज कर लिया जाए कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, ए फरजंदे रसूल तब भी हम अपनी जानें आपके कदमों पर कुर्बान कर देंगे। और ये आबिस इब्न शबीब शाकिरी हैं जो ये कहते हैं कि ए फरजंदे रसूल अगर मुझे तीर और तबर और नेजा और शमशीर के साथ जख्म लगा लगा कर इस तरह से कत्ल किया जाए कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर इन टुकड़ों को जमा करके जला दिया जाए, और जलाने के बाद राख को फिजा में उड़ा दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए और इसी तरह से मारा जाए, यहां तक कि 70 या 70,000 मरतबा कत्ल किया जाए, फिर उठाया जाए, तब भी मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी जान आपके कदमों पर कुर्बान कर दूं। और उसके बाद फिर बाकी असहाब भी अपनी अपनी मोहब्बतों का, अकीदतों का इज़हार, ईफाए आहद करते रहे, यहां तक कि सबसे आखिर में सईद बिन अब्दुल्ला हनफी उठकर खड़े हुए और ऐसा जुमला कहा कि मैं जब भी सोचता हूं मुझे इस जुमले का जवाब नजर नहीं आता। एक मरतबा उठे बारगाह हुसैनी में और अर्ज किया, फरजंद रसूल आप फरमा रहे हम चले जाएं, हम चले जाते हैं, बस ये बता दें कि जिन अफराद को उनकी माओ ने पैदा ही इसी दिन के लिए किया था वो आपको छोड़कर कैसे चले जाएं, क्या जवाब दिया जा सकता है सईद बिन अब्दुल्ला हनफी की बात का। एक मरतबा फरमाया कि जज़ाकुमुल्लाह अन्नी खैरल जज़ा, और परवरदिगार तुम्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और उसके बाद सनद जारी फरमाई, फरमाया इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी, कि मेरे इल्म में नहीं कोई ऐसे असहाब जो मेरे असहाब से ज्यादा बावफा हो। बस गुफ्तगू खत्म हुई, हंगामे गुरूब है, आजान करीब है, तो जो दो जुमले सईद बिन अब्दुल्ला हनफी से मुतल्लिक आपकी वफा से मुतालिक अर्ज करूं, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी वो शख्सियत जिन्होंने 6,500 किलोमीटर का सफर तय किया है। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी जो सारी रात जाकर खंदक खोदते रहे, बाद में झाड़ियां काट के खंदक को भरा ताकि रोज़े आशूर बीबियों को कुछ फुर्सत मिल जाए, शहादत हुसैन के बाद संभलने का मौका मिल जाए। और ये 3 दिन के भूखे और प्यासे, और रोज़े आशूर जब अबू सुमामा साइदी ने इमाम की बारगाह में अर्ज किया, फरजंद रसूल नमाज का वक्त हो गया, जी चाहता है आपकी इब्तिदा में आखिरी नमाज अदा करें, इमाम हुसैन ने हाथ उठाए और अजीब दुआ दी, फरमाया हशरकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में माशूर करे। और उसके बाद उमर इब्न साद की तरफ पैगाम भेजा, उसने जवाब दिया हुसैन तुम्हारी नमाज कबूल नहीं कि तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। अब इमाम हुसैन ने नमाज खौफ अदा की, तो मकामे फिक्र के हामिल नफ्स मुतमइन्ना हुसैन इब्न अली क्यों नमाज खौफ अदा कर रहे हैं। ये फिक़ही इस्तिलाह है नमाज खौफ, इसका तरीक़ाकार क्या है। नमाज खौफ इस तरह से पढ़ी जाती है, ये भी 4 रकती नमाज 2 रकती हो जाती है। इसके पढ़ने का तरीका यह कि पहले इमाम आगे खड़ा होता है, आधे सिपाही उसके पीछे नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, आधे सिपाही उनकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं, और इमाम 1 रकत पढ़ने के बाद बैठे रहते हैं और बाकी नमाजी उठ जाते हैं और दूसरी रकत फुरादा पढ़ के फिर नमाज मुकम्मल करते हैं। और जैसे ही वो नमाज मुकम्मल करके अपनी जगह छोड़ते हैं, वो मुहाफिज दस्ता जो इनकी हिफाजत अंजाम दे रहा होता है वो इनकी जगह पर आ जाते हैं, और जैसे ही खड़े होते हैं इमाम दोबारा खड़े हो जाते हैं। और इमाम जब दूसरी रकत अदा करते हैं तो वो उनकी पहली रकत होती है, दूसरी वो फुरादा पढ़ते हैं। ये नमाज खौफ है और इसका महल ये है। नमाज खौफ अगर 2 मुसलमान गिरोह आपस में लड़े तो यहाँ नमाज खौफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अहले तसन्नुन अहले तशय्यो तमाम उलमा और मुफ्तियान दीन का इत्तेफाक है कि नमाज खौफ सिर्फ 1 सूरत में पढ़ी जा सकती है कि जब लश्कर इस्लाम का काफिरों के साथ मरहला आ जाए, काफिरों के साथ जंग लड़नी पड़े, तब नमाज खौफ पढ़ी जाती है। हुसैन इब्न अली ने रोज़े आशूर नमाज खौफ पढ़कर दुश्मन के कुफ्र पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि खबरदार कभी मेरे कातिलों को, मेरे दुश्मनों को मुसलमान न समझना। जो हुसैन के मुकाबले में आ जाए वो मुसलमान नहीं रहता। बस इधर इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की और 2 सहाबी आपके सामने खड़े हुए, एक ज़ुहैर इब्न क़ैन और दूसरे सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। ज़ुहैर एक सिमत थे, ऐसी सिमत में थे जहाँ कम तीर चल रहे थे, लेकिन सईद बिल्कुल सामने खड़े थे, इसलिए दुश्मना ने हुसैन आपको शहीद करने के लिए बराबर इन्होंने तीरंदाजी शुरू की और वो सारे तीर सईद अपने जिस्म के ऊपर बर्दाश्त करते चले गए। 1 तीर इंसान की मौत के लिए काफी है, 2, 3, 4, 5, 10, लेकिन 70 से ज्यादा तीर, ये उलमाए मकातिल ने लिखा है, 70 से ज्यादा तीर सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के जिस्म में पैवस्त हो गए। 1 तीर मौत के लिए काफी है, तो कैसे खड़े हैं सिर्फ इश्क हुसैन में, मोहब्बत हुसैन में। इसलिए अपनी कुव्वत इरादी के बलबोते पे खड़े हैं कि मबादा अगर मैं गिरा तो कोई तीर यूसुफ फातिमा को छू जाएगा। इसी तरह खुद को रोक के रखा और जैसी हुसैन इब्न अली के लबहाए मुबारक से आवाज जारी हुई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब सईद गिरे लेकिन जमीन पर न गिरे। शहीद मुताहरी फरमाते हैं इतने तीर थे आपके जिस्म में कि जब जमीन पर गिरे तो आपका लाशा तीरों पर मुअल्लक हो गया और इन तीर गिरने की वजह से ये तीर मजीद आपके जिस्म में उतर गए। और जब आखिरी सांसें चल रही हैं, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी की रुख किया हुसैन इब्न अली की तरफ और ये जुमला कहा, अवफ़ईतु या अबा अब्दिल्ला, अवफ़ईतु या अबा अब्दिल्ला, ऐ हुसैन इब्न अली क्या मैंने आपके साथ वफा की। उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी फरमाते इतना कुछ करने के बाद सईद क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मैंने आपके साथ वफा की, क्या मैंने आपका हक अदा किया। इसलिए कि सईद और आपके बाकी 71 साथी लोग को शिफल क़िता की मंजिल पर फायज हो चुके हो, सबको हुसैन की हकीकत और माहियत अल्लाह ने इन पर शब आशूर अया कर दी थी। तो सईद समझ रहे थे कि इतना कुछ करके भी बशर क़यामत तक हक के हुसैन इब्न अली अदा नहीं कर सकता। वो हुसैन की जिन्होंने खुद को बशरियत पर कुर्बान कर दिया, अब बशरियत पर लाजिम है कि क़यामत तक हुसैन को याद करती रहे। तो ये सईद हैं। जब पूछा अवफ़ईतु या अबा अब्दिल्ला, लबहाए हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई और एक जुमला कहा, पहले हदीस सुने फिर जुमला सुने। 98 नंबर बिहारुल अनवार की जिल्द में अल्लामा मजलिसी ने छठे इमाम से हदीस बयान की कि अहले जन्नत 70,000 साल में 1 मरतबा सरदार जन्नत हुसैन इब्न अली के चेहरे की जियारत का शरफ हासिल करेंगे। 70,000 साल में जन्नती 1 दफा हुसैन को देखेंगे। और जब सईद ने कहा कि अवफ़ईतु या अबा अब्दिल्ला, तो क्या फरमाया, फरमाया ए सईद अंत अमामी फिल जन्ना, ए सईद तू जन्नत में हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा करेगा। ये जुमला सईद ने रोज़े आशूर कहा। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। और यही जुमला एक शहीद की मां ने भी पूछा सैयद सज्जा से, जब असीरों का काफिला पलट कर वापस 1 मरतबा मदीना पहुंचा तो उम्मुल बनीन मादर अबुल फजल अब्बास अपने पोते फजल की उंगली पकड़ के आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद को देखने के बाद सलाम किया और सलाम करने के बाद जो पहली बात पूछी, 1 मरतबा अर्ज किया ऐ सैयद सज्जाद मेरा दिल फटा जा रहा है, बस इतना बता दें क्या करबला में मेरे बेटे अब्बास ने अपने आका हुसैन के साथ वफा की। या वफा नहीं की। सैयद सज्जाद रोने लगे और जवाब दिया कि ए उम्मुल बनीन, आपने वो बात पूछी है जिसने मुझे रुला दिया। क्या एक बात सुने फिर खुद देखें कि आपके बेटे ने करबला में क्या किया और मेरे बाबा हुसैन की बारगाह में आपके बेटे अब्बास का क्या मकाम था। क्या बेटा बताइए, क्या उम्मुल बनीन जब हमें असीर करके करबला से शाम लेकर जा रहे थे तो असनाए सफर में ए उमर इब्ने साद ने एक मरतबा शिमर इब्ने जिलजोशन को, मेरे बाबा के कातिल को बुलाया और बुलाकर मेरे बाबा के कत्ल की कैफियत पूछी कि शिमर बता, जब तू हुसैन को कत्ल कर रहा था तब हुसैन की हालत क्या थी? क्या उस लम्हे हुसैन ने तुमसे कोई गुफ्तगू की, तुमसे कलाम किया? तो ये शिमर बता रहा था जो कि मैं सुन रहा था। शिमर कहता है कि हमले आखिर के बाद हुसैन इब्ने अली जब अपनी शमशीर को खा के करबला में गाड़े, अपनी पेशानी को कब्जे शमशीर पर रखे बैठे हुए थे तो मैं उनके कत्ल के इरादे से आगे बढ़ा। मैंने हुसैन को कंधों से धक्का दिया, हुसैन पुश्त के बल जमीन पर गिरे। मैं आगे बढ़कर हुसैन के सीने पर सवार हुआ। हुसैन की आंखों में खून जमा हो चुका था। जब अपने सीने पर बोझ महसूस किया तो अपनी आंखों को उंगलियों से साफ करके जैसे ही मुझे देखा मुझसे कहा, ऐ शिमर बड़ी ऊंची जगह पर बैठा है, ऐ शिम्र बड़ी बुलंद जगह पर बैठा है। ऐ शिम्र मुझे अच्छी तरह से याद है बचपने में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जब अपनी गोद में उठाकर मुझे प्यार करते थे तो मेरी कमीज के बटन खोल देते थे, मुझे सीने से चूमना शुरू करते थे, मेरे गले के बोसे लेते थे, मेरे रुखसारों के बोसे लेते थे। तब एक मरतबा मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझे बताया था, ऐ हुसैन तुझे कायनात का शकी तरीन फर्द कत्ल करेगा, जिसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे, जिसका चेहरा खिंजीर के जैसा होगा। एक मरतबा शिमर कहता है, ये मुझे मुआफ कीजिएगा, सख्त जुमला है लेकिन हकायक को पहुंचाना ये जरूरत है। तो शिमर ने कहा कि ये सुनने के बाद मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने हाथ से मैंने हुसैन के रुखसार पर तमाचे मारना शुरू किए कि इसी असना में हुसैन की छोटी सी बच्ची, हुसैन की छोटी बच्ची अपने बाबा के पास मक्तल में पहुंची है। ये इतना मुश्किल मरहला है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता कि किस तरह से बच्ची को अपने बाबा से अलग किया। लेकिन शिमर कहता है जितनी देर में मैंने इस बच्ची को अपने बाप से अलग किया, हुसैन ने अपनी कुव्वत को जमा किया और अपना सर सजदे में रखा। जब सर सजदे में रखा तो मैंने ज़र्ब चलाई और जब मैंने ज़र्ब चलाई तो हुसैन ने यह जिक्र पढ़ा, रज़न बे क़ज़ाइक व तस्लीम अल-अमरिक ला मअबूद सिवाक या क़यासल मुस्तग़ीसीन। मैंने दूसरी ज़र्ब चलाई फिर हुसैन ने यह जिक्र पढ़ा, मैंने तीसरी ज़र्ब चलाई फिर हुसैन ने यही जिक्र पढ़ा। मैं ज़र्बें चलाता रहा, हुसैन मुसलसल यही जिक्र पढ़ते रहे और जब मैंने 13वीं ज़र्ब चलाई और हुसैन के सर को हुसैन के तन से जुदा किया, अब जो मैंने हुसैन के बालों में हाथ डाला, सर उठाया तो मैंने देखा कि अभी भी हुसैन के लब हिल रहे थे, अभी भी हुसैन के लब हिल रहे थे। मैंने सोचा अब हुसैन कौन सा जिक्र कर रहा है, तो हुसैन के लबों से आवाज आ रही थी, अब्बास अब्बास। परवरदिगार बेहक हजरत अबुल फजल अब्बास हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी इबादत के लिए अपनी बारगाह से अजर अजीम करार दे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हम सबको नेमत तकवा अता फरमा, नूर बसीरत और नूर मारिफत अता फरमा। हमें कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान पर अमल करने और कुरान मजीद की तालीमात को मुआशरे में आम करने की तौफीक अता फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो हम